मगर बात कर रहे हैं आज 15 अगस्त के मोदी साहब के भाषण की। जो मोदी साहब का पूरा भाषण जो भविष्य में हम करने, आपने अगर वीडियो फिर से जाके सुन लीजिए मोदी साहब ने क्या कहा है, हमें गुलामी नहीं करनी, गुलामी की जंजीरें तोड़नी है। भाई सब का गुलामी, हम 75 साल हो चुके हम आजादी पाके, आप किस गुलामी की बात कर रहे हो? वो क्या बात कर रहे हैं, डिजिटल स्लेवरी की। जो डाटा सेंटर अभी वो यूपी में बना रहे हैं, 2.5 लाख हेक्टर पे एक डाटा सेंटर बन रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो जाके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। 2.5 लाख हेक्टर का ग्रेटर नोएडा के आसपास, हरियाणा में और यूपी के रीजन में, दोनों में मिला के वो एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर बनने वाला है। 5G से मरने नहीं वाले हो सोनाली मोहिते जी। ये जो 5G के रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल से जो ग्राफीन ऑक्साइड एक्टिव होने वाला है और उसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट्स बनने वाले, आप लोग डॉट नहीं जोड़ते हो, आपका IQ सच में बहुत कम है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं मुंह पे बोल देता हूँ, मुझे कोई आने नहीं है। मैडम आपको समझा नहीं, मैं समझाता हूँ, भाड़ में गए तुम, समझना है तो समझो, नहीं तो मत समझो, मेरे को लेना देना नहीं। समझा समझा कि थक गया हूँ, 2.5 साल से, 2.5 साल से समझा रहा हूँ तुम, एक ही चीज 2.5 साल से, एक जोक पे आदमी कितनी बार हंसेगा, 2.5 साल से एक ही चीज समझा रहा हूँ। अरे भाई साहब ये ग्राफीन ऑक्साइड आने वाला है, इसमें ये कंटेंट है, ये नैनो पार्टिकल्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ असर करता है, ये उसके क्लॉट्स फॉर्मेशन करता है, फिर ये ब्लड क्लॉट्स जाके कहाँ अटकेगा, ब्रेन में अटकेगा, लंग्स में अटकेगा, हार्ट में अटकेगा, किडनी में अटकेगा, आपके हिपेटिक आर्टरी में अटकेगा, या फिर आपके पैरों के वेनस सिस्टम में अटकेगा, डीप थ्रोम्बोसिस बन जाएगा, पता नहीं। तो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे वो ऑर्गन में गैंग्रीनस चेंजेस, जैसे मैंने कहा था पेनिस के जो है उसमें वो जाके अटकेगा, तो वहाँ पे गैंग्रीन हो जाएगा। केसेस स्टार्ट हो चुके हैं और आज मैं बात कर रहा हूँ मोदी जी के भाषण पे 5G स्पेक्ट्रम का लीला होके 10 दिन हो चुके हैं, उसमें बात नहीं करने वाला हूँ। तो ये जो है, ये सारी चीजों पे होते हुए अब जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम डिजिटल करेंसी के लिए ब्लैकआउट होने वाला है। ब्लैकआउट सन फ्लेयर की वजह से होने वाला है, इनको सबको पता है, इनकी सारी स्टडी है, ये लुकिंग ग्लास के अंदर सब कुछ देख लेते हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। अब ये हो चुके हैं पैनिक। आज 15 अगस्त है, आज से 12 से 13 दिनों बाद इनका टाइम पीरियड होने वाला है खत्म। 28 अगस्त को इनका टाइम पीरियड होने वाला है खत्म। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो है खत्म। अब इनको पावर देनी है हैंड ओवर करके, और इसलिए क्या कर रहे हैं भाई, मैं नहीं तो मेरा ही कोई तो भी भाई, जैसे नीतीश कुमार को अभी बिठाने वाले हैं। 3 जन रेस में थे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अभया नीतीश कुमार। हमारे उद्धव ठाकरे साहब बाहर चले गए रेस में से, सत्ता चली गई ना, पर स्मार्ट मूव थी वो, लोग मार खाने से उनको पता है, शरद पवार साहब ने उनको बचा लिया है। अब लोग जो है अगले महीने में जब महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अब तक लोगों ने GST लगा हुआ अनाज खरीदा नहीं है, किसी ने तो अभी एक मेरे एक दोस्त है उनके पोस्ट पे क्या लिखा था उन्होंने कि अब जो है डार्क विंटर आने वाला है। भाई सब डार्क विंटर क्या है, डार्क विंटर मतलब ये नए नए वेरियंट्स और खास करके फूड क्राइसिस और उसकी वजह से होने वाली महंगाई और उसकी वजह से लोग अनाज नहीं खरीद पाएंगे और उसकी वजह से भूखमरी आएगी। जब क्रॉप्स जब जलाने, आप डेड बॉडीज जलाएंगे नहीं तो बीमारियां फैलाएंगी, वो होगा डार्क विंटर। और उसमें सबसे बड़ा रहेगा, तो उन्होंने कहा था कि सर अनाज का प्रॉब्लम कब तक चलेगा, उन्होंने कहा था ज़्यादा नहीं 2-3 महीने का है। भाई साहब मेरे ख्याल से खेती नहीं करते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो बुआई का टाइम आता है गेहूँ का, वो रहता है अक्टूबर। अक्टूबर में जब अक्टूबर हीट गिरती है, जब ज़मीन अभी बरसात की वजह से गीली हो जाती है, फिर उसमें बुआई जो खेत जोता जाता है और फिर उसके बाद में बुआई की जाती है। तो वो बुआई करने के बाद में, अक्टूबर में जो बुआई होती है, तो उसके अगले 4 से 5 महीने बाद अक्टूबर में होता है, मिडल के आसपास, अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के एंड के आसपास गेहूं आता है। गेहूं आता है, फिर बाजरा जो भी वहाँ पे खरीफ रबी की होती है। तो ये सब चीज़ें अगले
कम से कम 8 से 8.5 महीने के लिए आपके मार्केट में गेहूं नहीं रहने वाला है। तो भाई साहब अभी जो है अनाज वो मोदी साहब ने अप्रैल मई में पूरे देशों में बांट दिया है, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज लेने का था ना। मैंने कहा था अगला नोबेल प्राइज किसको मिलेगा, उनको नोबेल प्राइज लेने का है। वो नोबेल प्राइज लेने के लिए उन्होंने बांट दिया। अब भारत के सारा गोडाउन खाली हो चुके हैं, कंगाल हो चुका है, गोडाउन रिका में हो चुके हैं। अब अगले महीने के बाद में जो भी राशन था उन्होंने वो 50% कट कर दिया है। अगर आपके घर में गैस है, आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में टू व्हीलर है, आपके घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, आपके घर में टीवी है, आपके घर में एक भैंस है, एक गाय है, तो आप वो राशन को छोड़ दीजिए। ऑर्डर निकाले हुए हैं, क्यों निकाले ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर क्यों निकाले गए हैं? ठीक है, उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों में से भारत में जो है वो 70-80% लोग वो अनाज लेते नहीं है, वो ऐसा करते वो वैसा करते, पर भाई साहब 20-25% तो लोग खाते हैं ना वो अनाज। सोचो 80 करोड़ में से अगर 20% भी आप पकड़ते हो, कम से कम 15-16 करोड़ लोग उस दो टाइम के अनाज के राशन के ऊपर जिंदा है, दो टाइम के अनाज के ऊपर वो जिंदा है राशन के। अगर उस 15-16 करोड़ में से 50% भी अगर रास्ते पे आ गए ना, सोचो श्रीलंका की पॉपुलेशन 8 करोड़ थी और उसमें से सिर्फ जो है 1% लोग भी रास्ते पे नहीं आई तो सरकार हिल गई थी श्रीलंका की। वही पाकिस्तान में हो रहा है। सोचो 80 करोड़ में से जो 16 करोड़ लोग अनाज जो खाते हैं दो टाइम का, चलो ठीक है नहीं 16 करोड़ चल 10 करोड़ खाते हैं, उस 10 करोड़ में से जब दो टाइम का वक्त का अनाज भी अगर आपके बच्चों को वो माँ बाप नहीं खिला पाएंगे, भाई साहब मैं आपको पहले ही बोला है, ये जो है ना पुलिस वाले और ये कलेक्टर्स और एसडीएम और तहसील अगर ये राशन नहीं देंगे, भाई साहब श्रीलंका में जाके देख लीजिए आग लगा दी थी लोगों ने। ये सारा कुछ जो बोल रहा हूँ सरकार इस पर बहुत गहराई से सोच रही है, आप नहीं सोच रहे, आपको लगता है डॉक्टर यहाँ पे आके बात कर रहा है। मेरे बातों पे कितना वजन गिरता है ये आपको नहीं पता है, ये प्रशासन बहुत अच्छे से जानता है, ये रॉ वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्राइम वाले भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये अजीत डोवाल भी बहुत अच्छे से जानता है, ये अमित शाह भी बहुत अच्छे से जानता है कि डॉक्टर जगदाड़े के शब्दों का इम्पैक्ट प्रशासन पे शासन पे क्या गिरता है। नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, 4-4 PIL वो भी इंटरनेशनल लेवल के करके बैठे हैं, करोड़ों रुपये की जहाँ पर उलाढ़ाल होती है जिन चीज़ों में उन चीज़ों में हाथ डाला है, परेशान तो हो गए ना। उनके दोस्तों के धंधे हमने वहाँ पे सवाल उठा दिया है उनके धंधों पे, तो फिर वो तो परेशान होंगे ही ना। तो भाई ये बात थी, बात आज आने का लाइव कारण यही था। आप लोगों ने जो बातें मेरी वीडियो मेरे जो बातें कही वो आपने सीरियसली नहीं ली, आपको लग रहा है कि हाँ ये बात कर रहा है इसमें क्या दम है, तो ये दम जो है वो मोदी साहब को समझ चुका, इसलिए उन्होंने आज के भाषण में जो कुछ मैंने कहा था कि हम ये करेंगे उन्होंने अपने लेबल पे चिपका दिया कि हम ये करेंगे। भाई साहब करना तो 10 साल पहले क्यों नहीं किया, जब सत्ता में आए थे ब्लैक मनी के मैटर पे सत्ता में आए थे, आज क्यों नहीं किया है? तो इसलिए अब आगे के जो गेम प्लान है वो हम अब ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं। ग्रुप बने हैं, ग्रुप पर अटैच होइए, आपके अपने स्टेट वाइज ग्रुप जो बने हैं उसमें आप अटैच होइए, वहाँ पे आपकी अपनी भाषा में उस डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए। आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं देते रहूँगा। पाकिस्तान में अर्थक्वेक हुआ है 4.4 रिक्टर स्केल का, और वही अर्थक्वेक अभी एक अपने जम्मू कश्मीर के आसपास भी रीजन में हुआ है, तो इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिए। प्लेट्स एक्टिव हो चुके हैं, प्लेट्स जो है अदर दैन द एशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक एक्स्ट्रा प्लेट जो है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, पंजाब, दिल्ली और इस तरफ आती है, वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो चुकी है, तो संभलिए। बस यही, मिलते हैं कल सुबह, जो जागा था वही बचने वाला है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।